पेरिस ओलंपिक 2024 में देश का नाम रोशन करने वाली भारतीय शूटर मनु भाकर ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मनु भाकर के साथ उनका पूरा परिवार और कोच जसपाल राणा भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मनु भाकर और उनके परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया और मनु को विशेष रूप से धातु निर्मित गणपति की मूर्ति देकर सम्मानित किया। सिंधिया ने मनु भाकर से बातचीत के दौरान अपने युवा दिनों में शूटिंग सीखने के अनुभव को साझा किया और भविष्य के लिए उन्हें असीम शुभकामनाएं दी। उन्होंने मनु भाकर के अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने देश का झंडा विश्व पटल पर फहराया है, जो कि गर्व की बात है। गौरतलब है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के दो कांस्य पदक जीते थे। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में पदक हासिल किए, जिससे वह स्वतंत्रता के बाद एक ओलंपिक खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मनु भाकर और सरबजोत सिंह से मुलाकात की और उनके प्रदर्शन की सराहना की। मुख्यमंत्री सैनी ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियों से पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। इनके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मनु भाकर से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। बता दें कि मनु भाकर झज्जर हरियाणा की निवासी हैं और सरबजोत सिंह अम्बाला के रहने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों के साथ उनके माता पिता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।